हेलो व्यूवर्स, आई एम अब्दुल रहमान एंड वेलकम टू अल्फा प्राइम एकेडमी। व्यूवर्स, आज हम फंक्शन को स्टडी करेंगे। फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शंस एक ऐसा कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एडिशन का फंक्शन बनाया, वो एडिशन को परफॉर्म करेगा टू नंबर्स 3, 4। इसी तरह अगर हमने मल्टीप्लीकेशन का बनाया है तो वो मल्टीप्लीकेशन करेगा नंबर्स की। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम किस तरह फंक्शंस को लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखें, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, कोई ऐड का लिख लेता हूँ। इंट ए इन, उसके बाद बी, उसके बाद मैं इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ ए में और बी में भी। उसके बाद मैं एक सम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें इन दोनों को स्टोर करवा लेता हूँ, उसमें इन दोनों को स्टोर करवा लेता हूँ, इधर इनको सी आउट करवा लेते हैं। सम एंडल, ठीक है व्यूवर्स। अब हम एक मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं, इसमें भी हम दो नंबर ले लेते हैं ए और बी। ए में भी कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं जैसे, और बी में भी 6। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं फ्लोट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए। शिफ्ट और शिफ्ट को प्रेस करके और 8 को प्रेस करें तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है स्टेरिक। उसके बाद बी, उसके बाद सी आउट करवा दें, एम यू एल एंड एल एम। एंड एल हम यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम मेन लिखते हैं, void main के बाद हम इन फंक्शन को कॉल करते हैं मेन में से ऐड को और मल्टीप्लाई को। सी आउट वी कॉल कॉल ऐड फंक्शन एड। उसके बाद इस तरह व्यूवर्स हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं मेन में से। इसके बाद हम फिर मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, वी कॉल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फंक्शन। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर।
व्यूअर्स F5 प्रेस करें तो ये देखिए व्यूअर्स हमारे सम और मल्टीप्लिकेशन हो गई है टू नंबर्स की बाय यूजिंग फंक्शंस। अगर हमने यही चीज नीचे लिखनी है मेन के नीचे तो मेन के नीचे भी इसे लिख सकते हैं। इधर से इसे कॉपी करें, इरेज करें और इधर पेस्ट कर दें। अब हमने इसे इसको मेन के नीचे डिफाइन कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी प्रोटोटाइप्स भी लिखनी पड़ेगी, void add, ये add के फंक्शन की प्रोटोटाइप है और ये मल्टीप्लाई वाले TI। अगर आपने नीचे लिखना है तो फिर आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा पहले। इस तरह व्यूवर्स आप लिख सकते हैं, ये देख सेम आउटपुट आ रही। तो व्यूवर्स इस तरह आप फंक्शन को यूज इजीली कर सकते हैं। थैंक यू व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।